दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए किसी भी रीजन से दोस्तों, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों, जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ना, वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी जो है अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक को अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर से जाकर। उसके बाद फेसबुक को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर में देखिए, यहाँ पे 3 लाइन दिखाई रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे करना है, ठीक है। नीचे आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है। आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन है सेटिंग्स का, ठीक है। आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा, लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अकाउंट सेंटर का, ठीक है। आपको अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम अकाउंट सेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट सेंटर ओपन हो गया है। यहाँ पे नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर्सनल डिटेल पे हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों इसी में नीचे एक ऑप्शन मिला है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल वाले ऑप्शन में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ठीक है। आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, आपका फेसबुक अकाउंट जो डिलीट करना चाहते हैं यही है, तो जी हाँ हमारा यही है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा 2, ठीक है। अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ ये फेसबुक में ना दिखे लेकिन अकाउंट रहे, कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि हम अपना फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि आखिर किस रीजन से आप अपने फेसबुक को डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रीजन एक ले लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे वाला जो हम रीजन ले लेते हैं, आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल, इस पर हम क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है परमानेंटली डिलीट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे करना है, अगर आपने मतलब जो पोस्ट किए हैं उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हैं जो भी पोस्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड पता नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे हम करते हैं क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है 30 दिन, आफ्टर 30 दिन, ठीक है। यानी कि दोस्तों आज अगर हम अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करते हैं तो ये डिलीट तो आज ही होगा, ठीक है, लेकिन परमानेंटली हमेशा के लिए दोस्तों डिलीट ये 30 दिन बाद होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों 30 दिन के अंदर में आप कभी भी इसको लॉगिन कर लेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो आज अगर इसको डिलीट कर दिया ना तो 30 दिन तक दोस्तों आपको लॉगिन नहीं करना है, नहीं तो लॉगिन कर लीजिएगा तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आपका माइंड चेंज होता है, आप चाहते हैं इसको रखने के लिए, तो आप 30 दिन के अंदर में लॉगिन कर लीजिएगा, आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आ जाएगा, डिलीट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम नहीं मतलब हम चाहते हैं कि हाँ डिलीट हो जाए हमेशा के लिए। यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे हम करते हैं क्लिक, लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे जो है लॉग आउट हो गया, मतलब फेसबुक कट गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अकाउंट डिलीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो लॉगिन कर लीजिएगा, बच जाएगा, नहीं तो छोड़ मतलब डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली तो छोड़ दीजिएगा, उसी तरह डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो कमेंट के जरूर देगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।